बोलिए। एक्चुअली मैंने सेक्टर में ना फ्लैट ढूंढ रही थी, तो मुझे आपका एड्रेस ना वर्मा जी ने दिया। अच्छा अच्छा वर्मा जी, तो आज मैं देख सकती हूँ आपका फ्लैट? क्यों नहीं देख सकती, फर्स्ट फ्लोर ही है, आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। अंकल आपका फ्लैट तो बहुत अच्छा है, इसका रेंट तो काफी ज्यादा होगा। सिर्फ 10,000। क्या बात कर रहे हो, सिर्फ 10,000? मैं एक महीने से इस सेक्टर में घर ढूंढ रही हूँ। अरे बेटे, हमारा तो काम ही है आप जैसे बैचलर्स की मदद करना। काश अंकल सब आप जैसे होते हैं। मैं ये फ्लैट ले रही हूँ, मैं रात को ही आपको पैसे भिजवाती हूँ। वही यार, मैं सोचूं मुझे इतने सस्ते में फ्लैट कैसे मिल गया। आज भी कितने अच्छे लोग हैं यार इस दुनिया में। चल मैं तुझे करती हूँ बाद में कॉल, अभी मैं नहाने जा रही हूँ। बाय। हेलो अंकल जी, वीडियो भेज दिया आपको, एक बार देख लो। अरे चल मैं देखता हूँ, ठीक है। वाह, अब ये होगी इंटरनेट पे अपलोड। इतने सस्ते में फ्लैट ऐसे ही कोई दे रहा हूं, कहीं ना कहीं से तो पैसे वसूल करूंगा ही। हेलो अंकल, वो जो वीडियो आई है वो? हाँ हाँ तो कर दे, अपलोड कर दे। आप एक बार देख तो लो क्या वीडियो है। रोज तो देखता हूँ। ठीक है अंकल, लेकिन पहले आप देख लेते तो अच्छा होता। देखकर होगा क्या, हमें लोगों को दिखानी है, खुद कोई देखनी। क्या हो गया, इतने मैसेज कहां से आ गए? मेरी बेटी की वीडियो? लेकिन ये ऊपर वाले वॉशरूम में क्यों गई? पापा वो हमारे ना वॉशरूम का नल काम नहीं कर रहा है, तो अगर आपको नहाना है ना तो आप एक काम करना, आप ऊपर वाली दीदी के वॉशरूम में चले जाना, ठीक है? मैं अभी वहीं से नहा के आ रही हूँ। ये सब मेरे कर्मों का ही फल है, मैंने कितनी ही सारी लड़कियों के साथ गलत किया, आज वही चीज मेरी बेटी के साथ हुई तो मुझे कितना बुरा लग रहा है। मैं आज के बाद कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। परमात्मा मुझे माफ कर।